प्राइम इताली चैनल थोड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हाँ अज कुछ खास न्यूज़ लैके। इस तो पहला कि आप वीडियो शुरू करिए, जेकर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। तो वीडियो की नोटिफिकेशन लिए बैल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर लवो, क्योंकि इस जो भी इस नवी वीडियो अपलोड करा उसकी नोटिफिकेशन तुहाड़े तक पहुँच जाएगी। तो हुण आपां शुरू करते हैं अज्ज दीआं कुछ खास न्यूज़। सब तो पहला शुरू करते हाँ इटली। इटली दे विच पिछले 24 घंटिया के दौरान इटली दे विच 7221 नवे केसिज आए हैं, 43 जिहड़ी डैथ हुई हैं। तो पॉजिटिविटी रेट जिहड़ा हैगा आ 3.3% है, जो कि अगे नालों 0.2% वधिया है। तो ISS के नवे जिहड़े सर्वेखण के अकॉर्डिंग सिचिलिया दे विच जिहड़े इन्फेक्शन के केसिज वधे हैं, जिसके करके सिचिलिया सोमवार तो येलो जोन के जाने के लिए तैयार होगा। तो सिचिलिया दे विच पिछले 24 घंटे के दौरान 1097 केसिज आए हैं। तो जेकर आप इटली दे विच थर्ड डोज की गल करिए, तो थर्ड डोज की जिहड़ी वैक्सीन हैगी आ इटालियंस लोगों नूं इस साल के एंड विच जां अगले साल के शुरू दे विच लगनी शुरू हो जाएगी। तो जे आप स्कूल के बच्चे बारे गल करिए, अद्धे तो भी ज़्यादा जो स्कूल के बच्चे हैगे आ इटली दे विच जिन्ने भी स्कूल हैगे आ उन्हां नूं डोज जिहड़ी वैक्सीन की हैगी पहली डोज लग चुकी है। तो 37 मिलियन जिहड़े लोग हैगे इटली दे विच फुली वैक्सीनेटड हो चुके हैं, मतलब कि उन्होंने उत्ते वैक्सीन दियां दोनों डोजेज़ का प्रोसैस हो चुका है। तो थर्ड डोज की जिहड़ी वैक्सीन हैगी आ वो प्रियोरिटी उन्हां लोगों दी जाती है जिहड़े कि हैल्थ केयर दे विच जां प्रोफेशन दे विच किसी किते दे विच काम करते हैं, जां बजुर्ग लोग हैं, जां जिहड़े जिन्हां नूं इसकी ज़्यादा जरूरत है पहला उन्हां नूं दित्ती जाएगी। इस तों बाद अगली न्यूज़ आ रही है चाइना तो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने पता लगाया है कि एक साल के जिहड़े इन्फेक्शन मतलब लोगों को इन्फेक्शन हुई सी कोविड के नाल, उन्होंने साल तो बाद भी काफ़ी ज़्यादा हैल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दसिया जा रहा है कि वुहान के हॉस्पिटल के जो पहली पैंडमिक वेव आई सी उस टाइम जो 1200 लोग से उन्होंने जो सिम्पटम्स है वो साल बाद भी देखने को मिले हैं, जिस तरह की थकावट फटीग ते ये मोस्ट कॉमन जोड़े सिम्पटम्स है ज़्यादा लोगों के पाए गए हैं। तो इस कई इदा के भी है जिन्हों के उन्होंने सह की तकलीफ आ रही है, तो उन्होंने फेफड़े की जिदा थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस तो बाद अगली न्यूज़ तुस्कानिया तो आ रही है। तुस्कानिया के 4500 हैल्थ वर्करस अजिहे हैं जिन्होंने हाले तक वैक्सीन नहीं ली है, तो उत्थे दे गवर्नर द्वारा उन्होंने सस्पेंशन लैटरस ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है सिचिलिया तो। सिचिलिया की कुछ म्यूनसीपैलिटीज़ है जिड़िया कि चार जी सिचिलिया म्यूनसीपैलिटीज जीडिया ऑरेंज जोन के जा सकती हैं। ये है पहली हैगी बारा फ्रांका, निस्चेमी, कोमीसो ते वितोरिया। ये चार म्यूनसीपैलिटी है जिड़िया ऑरेंज जोन के जा सकती हैं। तो ये शनिवार तो ऑरेंज जोन के जाएगियां, तो ये घट्टो घट 6 सितंबर तक यह इस तरह ही रहेगियां। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है ईटा अल इतालिया एयरलाइंस तो, जिस दे विच इटली विच काम करन दे लई सिर्फ एक दिन दे विच ही 5000 तो भी ज़्यादा एप्लीकेशनस भेजियां गईयां हन। एयर ट्रांसपोर्ट नवीयां जिहड़ियां सार्वजनिक एयरलाइन जो कि 15 अक्टूबर तो अल इतालिया दा कामकाज संभालेगी, मतलब कि उसकी जगह ते आवेगी संभालेगी, तो उस दे लई लगभग 2800 स्थानां दे लई 5000 तो भी ज़्यादा नौकरियां दे लई एप्लीकेशन पहुँची है, क्योंकि अल इतालिया 15 अक्टूबर तो अपनियां फ्लाइट्स बंद कर रही हैं। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है इटली के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्रों तो पता लगा है कि वीरवार को इटली की एक फौजी ट्रांसपोर्ट जहाज़ के उत्ते फायरिंग की गई जो ये काबुल एयरपोर्ट तो अपनी फ्लाइट उड़ान भर रहा है। तो मिली जानकारी के मुताबिक इटली के जहाज़ में कोई नुकसान नहीं पहुँचा, तो जहाज़ के भी सफ़र कर रहे एक इटालियन पत्रकार ने दसा है कि जहाज़ में तकरीबन 100 तो भी ज़्यादा अफगान नागरिक सन, तो उड़ान भरन तो कुछ ही मिनटों बाद जहाज़ उत्ते फायरिंग की गई। तो काबुल तो कढ़े गए 109 अफगानी नागरिकों के नाल इटली की आखिरी जिहड़ी फ्लाइट सी रोम पहुँच गई है। जहाज़ में सवार एक इटालियन सरकारी रेडियो पत्रकार ने यह भी दसिया है कि उड़ान जिहड़ी शुक्रवार अज सवेरे तड़के पाकिस्तान तो रवाना हुई सी, तो उन्होंने कहा है कि इटालियन कौंसल काबुल हवाई अड्डे उत्ते ठहरे हुए सन। इस बाद अगली न्यूज़ आ रही है काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर वीरवार को हुए आत्मघाती धमाकियों के विच घट्टो घट 100 लोग तो भी वध जिहड़े अफगान लोग है उन्हां दी मौत हो गई है। तो एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दिती है कि मृतकों की संख्या हो सकता है ज़्यादा होवे, क्योंकि लाशां हाले कढ़ियां जा रही हैं। तो जख्मी हुए जिहड़े नागरिक हैगे आ उन्हां दी गिनती भी वध रही है।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ 7 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਿਥੂਨੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਲਿਕਟੇਨਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਅਜੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।